5 मार्च मंगलवार को हिंगनघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक समीर कुनावार के मार्गदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम अंतर्गत शक्ति वंदन पद यात्रा निकाली गई। ये पद यात्रा विधायक समीर कुनावार के निवास स्थान से निकाली गई। ये यात्रा विठोबा चौक, सुभाष चंद्र बोस चौक, मोता चौक से करंजा चौक तक निकालकर गांधी जी के पुतले को पुष्पहार अर्पण करके समाप्त हुई। इस पद यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए विविध योजनाओं की जानकारी देने वाले फलक महिलाओं ने हाथ में लेकर प्रदर्शन किया। इस वक्त भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष छाया सातपुते, अनीता मावरे, महिला मोर्चा महामंत्री नलिनी सयाम, हिंगनघाट विधानसभा महिला प्रमुख रवीला आखाड़े, हिंगनघाट शहर महिला अध्यक्षा कीर्ति सायकार, हिंगनघाट ग्रामीण महिला अध्यक्षा शीला सोनारी, वर्धा जिला चिटनिस कौसर अंचुम अल्पसंख्यक महाराष्ट्र सदस्य नमिता पाठक, समुद्रपुर मीडिया प्रमुख शारदा पटेल, शीतल खंडार, धनश्री वर्ग ने विद्या पेड़ के और महिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज पूर्ण संपूर्ण भारत देशात ही यात्रा निघालेली आहे, त्याकरिता आमच्या सगळ्या पदाधिकारी इथे उपस्थित आहे। खरोखर या सगळ्या सदस्यांचं व पदाधिकारी आणि नगरसेविकांचं मी इथे मनपूर्वक आभार मानते आणि सर्वात तर आभार ज्यांचे मानायचे आहे, ज्यांनी हे सगळं राष्ट्र घडवून आणलेलं आहे, जे आपले यशस्वी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांचेसुद्धा इथे खूप खूप आभार व्यक्त करते। आणि उद्याला परत एक जे मोदीजी जे सर्वांशी संवाद साधणार आहे 9:30 तर सर्वांनी मी इथे आवाहन करते की सर्वांनी उद्या भरभरून संख्येने उद्याच्या कार्यक्रमाला यावं आणि बस एवढंच मी सांगू शकते। भारत माता की जय। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।